रहेगा तभी तो आप 100 लगा पाएंगे। तो चलिए गाड़ी में चलते हैं, फिर इसको इंस्टॉल करते हैं, फिर देखते हैं क्या ये फिट आता है हमारी क्विड में या नहीं। चलो चलते हैं इसको लेके। हम आए अपनी क्विड गाड़ी में, इसको जो हमने इंस्टॉल कर लिया एक तरह से, मतलब रेडी कर लिया इंस्टॉल के लिए। यहाँ पे देख लीजिए, इसके नीचे जो है ये 3 आइटम है, जैसे एक और फिर बीच में ये एक दो और ये तीसरा 3, ठीक है। अब पेज देख लीजिए कहाँ कहाँ पे इन्होंने क्या पेज कम भेजे हैं इसमें। तो हमने क्या अभी जस्ट देखने के लिए क्या किया है, 2 यहाँ पे लगा दिए, एक यहाँ पे, ये देख लीजिए यहाँ पे, और एक जो है यहाँ पे। इन्होंने क्या एक्स्ट्रा ये जगह दी हुई है यहाँ पे स्क्रू लगाने की, ये यहाँ पे अगर नहीं लगते जगह नहीं थी तो यहाँ पे दी हुई थी, तो हमने यहाँ पे और यहाँ पे लगाया, ठीक है। और बाकी के जो ये देख लीजिए आप, ऊपर के 3 छोड़ के, ठीक है। जो अंदर देख लीजिए, अंदर क्या जगह नहीं, लास्ट मतलब लास्ट में लगाना आपको, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये क्या है लास्ट में लगा देना बिल्कुल, लेकिन लास्ट में लगा के यहाँ पे देख लीजिए, एक पेच यहाँ पे लगाया कि यहाँ पे ऊपर के 3 छोड़ के, और अब देख लीजिए ऐसा रेडी होना चाहिए ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये लगेगा कहाँ पे, यहाँ पे लगाना कैसे है वो भी आपको बता देते हैं। दोनों बेल्ट के जो लॉक्स हैं उनको साइड में करके, एक्चुअली मैं अकेला हूँ तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आज इन दोनों की जो जगह है इसमें और यहाँ से इसके बीच में से आपको निकालना है, यहाँ पे इन दोनों जगहों पे क्या है स्क्रू लगेंगे, यहाँ पे एक यहाँ पे लगेगा और दूसरा ये इस साइड लगेगा यहाँ पे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे देख लीजिए प्रॉब्लम ये है, ये इसको जो है आप अगर हैंड ब्रेक जब लगाने तो इसको ऊपर कर देना है, ठीक है। पेच में लगाया तो अब दिक्कत ये है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, थोड़ा सा ये हैंड ब्रेक पूरी ऊपर तक खींची हुई है, जस्ट थोड़ा सा यहाँ से जो है कट लगाना पड़ेगा मेरे को। वैसे तो ये सही है बिल्कुल, अगर आप थोड़ा यहाँ तो यहाँ भी बोल्ट लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आप कभी कोई तेज खींचोगे तो ये यहाँ पर टकराएगी, तो इस वजह से क्या मैं यहाँ पर जो है अभी पूरा हैंड ब्रेक खींचा हुआ है और हमारा ये भी जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास लग गया है एक तरह से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बट हम अपनी सेफ्टी सहूलियत के लिए जो क्या है यहाँ पे थोड़ा सा कट लगाएंगे इस जगह पे, ताकि ये इससे टकराए ना, जब हम इसको ऊपर करें इससे टकराए ना, ठीक है। एक बार फिट करते हैं आपको, फिर दिखाते हैं कि कैसा लगता है ये, क्योंकि ये यूनिवर्सल है तो हर गाड़ी के हिसाब से इनको फिक्स नहीं किया जा सकता, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट अपने को करना पड़ता है। कंपनी फिटेड नहीं है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है बिल्कुल, आप नहीं काटना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी मैं यही सजेस्ट करूँगा अगर थोड़ा सा कट लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, जस्ट ये इतना सा कट लगेगा यहाँ पे थोड़ा सा। चलो मैं लगाता हूँ आपको, फिर दिखाता हूँ एक बार। ये जो हमने आर्म रेस्ट जो है लगा दिया है इसमें, ये देख सकते हैं आप पीछे से बैक साइड से जो है कैसे लगा हुआ है। इसके बोल्ट देख लीजिए हमने कहाँ कहाँ लगाए हैं, ये देखिए एक यहाँ पे लगा हुआ है और दूसरा इधर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये 2 बोल्ट हमने पीछे लगाए हैं और एक अगर आप यहाँ से दिखाई दे तो एक आगे की तरफ लगाए हैं, तो वो दिखाते हैं आपको पहले आप यहाँ से
लीजिए इसको कैसा लगता है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये जो है अच्छी लुक दे रहा है, बीच में लगा हुआ। ये डोर देख लीजिए, अब यहाँ से जो है आपको हैंड ब्रेक लगाने के लिए इसको ऐसे ऊपर करना है, ये देखिए कितना ऊपर हो जाता है, और ये हैंड ब्रेक अपनी देखिए, हैंड ब्रेक से भी जो है, हैंड ब्रेक से भी देख लीजिए कितनी जगह है इसमें, यहाँ पे देखिए काफ़ी जगह जो है यहाँ पे बची हुई है। ठीक है, एक बोल्ट जो हमने यहाँ लगाया हुआ है आप देख लीजिए, और एक इस साइड लगाया हुआ है, आप इजीली जो है आप जो गियर वगैरह लगाने में भी आपको काफ़ी आसानी होती है इस आर्म रेस्ट से, इजीली आप जो है गियर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, और इसको आगे पीछे भी आप कर सकते हैं, मूव ऑन देखिए ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप एंड्रॉयड वगैरह प्लेयर यूज़ करते हैं तो यहाँ से इस हाथ से जो डायरेक्ट आपका जो है इस पर जो नेविगेशन आप कर सकते हैं इजीली। इसको फिट करने के लिए हमने जो ये नट बोल्ट लगाए हैं, कैसे लगाए, उनको कहाँ से जो लगाना पड़ा, हमें कितनी दिक्कतें आई, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें खोलनी पड़ेंगी इसको लगाने के लिए, कितनी मशक्क़त की है वो मैं आपको बताता हूँ, इसमें कहाँ कहाँ पे नट लगे हुए हैं और क्या क्या हमने कौन कौन से बोल्ट खोल के इसे लगाया। चलिए मैं आपको बताता हूँ, पीछे से एक बार देख लेते हैं आपको, ये देखिए दोस्तों एक बोल्ट यहाँ पे लगा है ये वाला, और दूसरा यहाँ पे लगा है, ठीक है। एक जो है हमने वो देखिए आगे, एक हमारा हाथ जो अगर वहाँ तक जाए, ये लगा हुआ, ये लगा हुआ यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये लगा हुआ है। तो ये जो है चार नट लगे हुए हैं ऐसे, ये एक उस तरफ लगा हुआ है देख लीजिए, ये लगा हुआ, ठीक है, चार नट लगे हुए हैं इसमें। इनको लगाने के लिए आपको पहले जो हमने जो ये जो आप देख रहे हैं प्लास्टिक, ये प्लास्टिक खोलनी पड़ेगी आपको। इसके लिए आपको ये इस सीट को पीछे करके यहाँ पे देखिए, ये जो होल दिया हुआ है यहाँ पे, इस होल को, इस बटन बोल्ट है इसको खोल लेना नट को, और एक ये नीचे है इसको खोल लेना है, और एक आगे है, मैं आगे वाला भी दिखाता हूँ आपको, ये आगे वाला दिखाते हैं आपको, एक ये आगे है यहाँ पे देखिए, ये रहा इसको खोल लेना है। इसको खोल लेने के बाद ये जो है प्लास्टिक जो बाहर आ जाएगी, उसके बाद जो आप यहाँ नीचे से सीट के नीचे से देख लीजिए, ये जो ब्लैक कलर की प्लास्टिक दिखाई दे रही है ये बाहर निकल जाएगी। उसके बाद यहाँ से आप जो है दोनों हाथ डाल के जो है स्क्रू ड्राइवर से वो बोल्ट जो आगे वाला है उसको आप आसानी से लगा पाएंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ आपने दोनों तरफ जो है ऐसे ही करना है, दोनों तरफ बोल्ट खोल के आपने जो है यहाँ पे इसको लगा देना है, ठीक है। थोड़ी ये मेहनत का काम है, थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट अगर मॉडिफिकेशन चाहिए तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। तो चलिए, और दूसरा ये जो है हमने इस पर स्क्रीन गार्ड लगाया है अपने एंड्रॉयड सिस्टम पे, इसकी वीडियो भी जो हम अपने चैनल पर डालेंगे अभी, तो वो भी आप देखिएगा, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी।
हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो क्विड गाड़ी से रिलेटेड हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो ये जो आर्मरेस्ट हमने लगाया है, खुद से लगा दिया है इसको जो हमने ऑनलाइन परचेज किया है, ऑनलाइन जो अमेज़ोन से हमने मंगाया है, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। क्योंकि और भी बहुत से जो है यूनिवर्सल जो है आर्मरेस्ट आते हैं, बट क्विड गाड़ी के लिए जो है बहुत से फिट नहीं बैठते हैं। हम काफ़ी टाइम से सर्च कर रहे थे बट जो है हमें नहीं मिल रहा था। मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया था, मेरे को ज़्यादातर वीडियो नहीं मिली क्विड गाड़ी के लिए। एक दो बंदों ने डाली हुई थी बट उन्होंने कुछ मेरे को अच्छा लगा नहीं कि उन्होंने जो आर्मरेस्ट लगाए उनको मेरे को अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने यार ऐसे ही लगवा रखे, मतलब यूजेबल नहीं है। अब इसको क्या है, आप ऊपर करके हैंड ब्रेक लगा सकते हैं, और दूसरा क्या है, इसको ऊपर करके आप इसमें जो है चीज़ें भी रख सकते हैं, अपना मोबाइल वगैरह, बच्चों की चीज़ें वगैरह सब रख सकते हैं इसके अंदर, और इसको वापस से बंद कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हैंड ब्रेक के लिए मैंने आपको दिखाया है वीडियो में कि इसमें हैंड ब्रेक लगाते समय आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हैंड ब्रेक से बहुत ऊपर रहता है ये, ना ही इससे टच होगी हैंड ब्रेक, ठीक है। और क्या है इसमें, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। आपको ज़्यादा दूर तक चाहिए आर्मरेस्ट तो आगे कर सकते हैं, अदरवाइज पीछे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और काफ़ी फिटिंग भी इसकी अच्छी आ गई है, लगाने के लिए कहाँ कहाँ से बोल्ट लगाने हैं, कौन कौन से बोल्ट लगाने हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको खोलनी पड़ेंगी गाड़ी की, वो सारी मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई है। आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, पूरा देखेंगे, तो आप खुद से जो है आप इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। अगर आप खुद से नहीं कर पाते, लास्ट ऑप्शन यही है कि आप किसी मैकेनिक के पास जाइए या मॉडिफिकेशन वाले शॉप पे, तो वो आपको लगा देंगे। आप मंगाना चाहें तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे जो डेकोरेशन की गाड़ी, डेकोरेशन की शॉप्स होती हैं, उनसे भी आप पता कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आप खरीद सकते हैं। तो ऐसा नहीं है क्विड गाड़ी में आप जो आर्मरेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत से लोग नहीं लगवाते क्योंकि छोटी गाड़ी है तो थोड़ा कॉम्पैक्ट जगह हो जाती है, बट मैं इतना मोटा नहीं हूँ, मैं आप इजीली जो अपनी गाड़ी में आराम से बैठ सकता हूँ। बट मैं जो है लॉन्ग ड्राइव करता हूँ, अपने जयपुर से हरियाणा घर है मेरा, तो वहाँ पे लॉन्ग ड्राइव करता हूँ, तो मेरी जो है बाजू में दर्द होने लग जाता है, इस वजह से जो है मेरे को आर्मरेस्ट चाहिए था, तो इसलिए मैंने लगाया यहाँ पे, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो बने रहिए आप हमारे साथ, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।